मेरा नाम दापू है, मैं गांव तिलोनिया की रहने वाली हूँ। 2016 के महीने में अमृतचूर्ण में काम कर रही हूँ। वैसे पहले ही ना अमृतचूर्ण बोलता, अभी वो नाम सुपर पाइप काट दियो। सुपर पाइप नाम काट दियो, पांच चीज़ों डलाई के मायने। पांच चीज़ों में एक तिल डलता है, गेहूँ डलता है और गुड़े मूँगफली चना। और सुपर पाइप एक सूखो पोसार है, तो कमज़ोर बच्चा ने देवा के लिए, कमज़ोर महिला ने देवा के लिए, बल एक मायने सब लोग भी खा सके, जो कमज़ोरी है ना वो सभी खा सके। मैं दो लोगों ने शुरुआत की, फिर धीरे धीरे एक महिला और लेने में, फिर बाद का मायने धीरे धीरे दो तीन महिला होगी, मैं तीन महिला के बाद में सात लोग वर्तमान में काम कर रहे हैं। मेरा नाम सीता देवी है और मैं सुपर पाइप में काम करती हूँ। सुबह आते हैं, आने के बाद हम लोग साफ़ सफाई करते हैं। साफ़ सफाई करने के बाद तो उसमें हम आते ही पहले हमारा हाथ मुँह धोते हैं, उसके बाद हम टोपी लगाते हैं, मास्क लगाते हैं, जो हमारा पहनने का कपड़ा है वो कपड़े पहनते हैं। उसके बाद हम लोग पूरा माल जितना बनता है उतना तोलते हैं। तोलने के बाद उसको, जैसे गेहूँ है उसको सेकना पड़ता है, तिल है उसको सेकना पड़ता है, मूंगफली है उसको सेकना पड़ता है। सेकने के बाद उनको अलग अलग हम सुखाते हैं ठंडा होने के लिए, उसको ढक के सुखा देते हैं। उसके बाद हम अलग अलग, हमारा काम है कि हम जैसे कुछ लोग मूंगफली और तिल को पीस रहे हैं, कुछ लोग गेहूँ और इसको चने को पीस रहे हैं, तो ऐसे करके हम पीस के फिर एक बड़ी सी परात होती है, उसके अंदर हम लोग हाथ पहनते हैं। हाथ पहनने के बाद हम उसको मिलाते हैं, मिलाने के बाद हम लोग एक टंकी में डालते हैं उसको, साफ़ सुथरा टंकी होता है उसमें डालते हैं। और उसके बीच बीच में हम मशीन भी चलाते हैं, पैकेट भी बनाते हैं, जैसे ऑर्डर आया है 5,000 का है, 10,000 का है, तो ऐसे मशीन में भी हम काम करते हैं। अभी हम जो सुपर पाइप बनाते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में भी जाता है, प्राइवेट स्कूल में भी जाता है, और ब्रिज कोर्स जो चलता है सिंगला में वहीं पे भी जाते हैं, और साथ साथ गांव की लेवल पे गांव की महिलाओं को भी हम लोग जानकारी देते हैं। जैसे कुपोषण बच्चे हैं तो उनको भी हम जानकारी देते हैं, जो डिलीवरी वाली महिला होती है उनको भी हम इनके बारे में जानकारी देते हैं, ताकि महिलाएँ जागरूक हो और इस पर ध्यान दें और उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान दें। कोविड के समय में हर दिन हम लोग 300 केजी माल बनाते और 10,000 पैकेट निकालते थे। 542 गांवों में 30,000 बच्चों तक 8,00,000 पैकेट पहुंचा चुके हैं। मतलब जो यहाँ सुपर पाइप में काम कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं तो सोच रही हूँ कि हमारा सुपर पाइप और भी आगे बढ़े, और भी हमारे पास में और प्रोजेक्ट आए और ज़्यादा महिला को हम जोड़े और हम काम करवाएँ।